back to another video. So guys, आज एक बार से आ चुके हैं space knowledge के साथ, आपको नहीं छोड़ेंगे space के knowledge के बिना. चलो guys, आज का topic है parallel universe. पता नहीं कौन सा दसवां सौवां topic होगा, लेकिन हमारा topic है parallel universe. अब भाई आपको हमारा यूनिवर्स पता है, एकदम गोल गोल कटोल, ठीक है, लड्डू की तरह है. अब मान लो, ठीक है, हम इधर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. अब मान लो यूनिवर्स है, हम इधर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये हम है, ठीक है, बस वीडियो देख रहा हूँ. अभी है ना, हमारे जैसा ही एक यूनिवर्स है. अब मान लो कि है ना, मस्त सो रहे हो एकदम, दो वक्त के छोड़े आपकी छुट्टियां चल रही है ना, और आप तो 10-11 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक, जितने 5 बजे तक, जितने भी बजे तक सोना है सो रहे हो, ठीक है. लेकिन भैया आप अपने यूनिवर्स में सो रहे हो, लेकिन आपको पता है हमारे जैसा ही एक यूनिवर्स, आपके जैसा ही सेम टू सेम एक बंदा उठ चुका है. वो आपके जैसा नहीं है एकदम 2 बजे तक सो रहा है, वो उठ चुका है और वो 4 बजे भी उठ गया. तो भाई वो हो गया आपका पैरेलल वर्जन. वैसे ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड का यूनिवर्स का पैरेलल वर्जन हो गया, पैरेलल यूनिवर्स. भैया पैरेलल यूनिवर्स में होता क्या है? तो भैया आप यहाँ खड़े हो यूनिवर्स में, और आपके जैसा ही बंदा उधर है. कम से कम 10^29 meters का डिस्टेंस है आप, और सोच सकते हो मतलब ये यूनिवर्सल डिस्टेंस है. मतलब मान लो है ना, आपके सामने कांच है, ठीक है, अभी मेरे सामने कांच नहीं है अफसोस, लेकिन भाई कांच है, ठीक है. अब वो कांच है ना, अपने आप को देखो, क्या करोगे आप? अपना राइट हैंड उठाओगे, सामने वाला लेफ्ट हैंड उठाएगा. डायमेंशन अलग अलग है, क्योंकि मैं इधर खड़ा हूँ और वो वाला इधर खड़ा है, तो हमारे डायमेंशन ही जब अलग अलग हैं, तब हमारा राइट उसका लेफ्ट होगा, उसका राइट और उसका लेफ्ट हमारा राइट होगा. समझ रहे हो ना? थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन होगा, ठीक है. अब भैया डाइमेंशंस का क्या चक्कर है बचुआ? तो भैया 13 डाइमेंशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. कहाँ पहुंच गया मैं? 13 तक है यहाँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इधर तक है, ठीक है, बाकी सबको भूल जाओ. अब यह 13 डायमेंशन हैं एक यूनिवर्स में. हमारे यूनिवर्स में 1 डायमेंशन है, दूसरे वाले यूनिवर्स में दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां. ओके. सो भैया
क्या है कि ये ना डायमेंशन का क्या चक्कर है कि डायमेंशन है ना कनेक्टेड है थ्रू वॉर्म होल। अब वॉर्म होल क्या है भैया? मैं उठा ही नहीं रहा, मैं छोड़ा नहीं उठाना था। तो भैया अब ये वॉर्म होल क्या है रे? अब भैया मान लो आपने स्लाइड देखी है क्या, मस्त उसमें जूम करके निकलते हैं। अब है ना क्या है कि 10 to the power of 29 मीटर में जाने में बहुत थकावट होगी। मतलब आजकल आजकल के जमाने का पेट्रोल देख रहे हो कितना महंगा आएगा, गाड़ी से जाएंगे तब तो हमारा घर जाएंगे इसमें। तो भैया क्या है कि है ना एक वार्म होल टेक्निक बनाई है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, उसमें क्या होगा दे कि उसमें ना हम मानने वाले बैठे हो, ठीक है। अब क्या होगा कि आप है ना मस्त ऐसे मस्त लड़ खाते हुए दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओगे, पूरे डायमेंशन को तोड़ फोड़ के मरोड़ मरोड़ के एकदम बूम पहुंच जाओगे। लेकिन भैया ये वॉर्म होल है ना जो स्पेस टाइम फैब्रिक है ना, ये आपने मेरी वीडियो देखी होगी स्पेस टाइम फैब्रिक की, नहीं देखी हो तो इस वीडियो के बाद देख लेना यार। तो भाई ये स्पेस टाइम फैब्रिक में क्या है कि ये जो डायमेंशन है ना, अभी ये जो वॉर्म होल क्रिएट हो रहा है, अब वो वॉर्म होल को अगर दूसरे डायमेंशन में जाना है तो उसको टाइम फोल्ड करके या फिर उसको ब्रेक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे डायमेंशन में टाइम एकदम अलग होगा। तो भाई क्योंकि भाई सेम टाइम नहीं रह सकता, हर डायमेंशन में अलग 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 टाइम होगा, हो सकता है सब कुछ ही अलग हो, ठीक है। ये चौक व्हाइट की जगह रेड होगा, ऐसा भी हो सकता है हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि उधर से टक 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 वॉर्म होल बनाएंगे क्योंकि स्पेस टाइम फैब्रिक का उनको तोड़ना है। लेकिन भैया अब आप सोचोगे मुझे बोलोगे अलते भैया ए पैरेलल, आप पैरेलल यूनिवर्स के बारे में समझा रहे हो, डायमेंशंस के बारे में समझा रहे हो। भैया क्या है ना, ये पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डायमेंशन से कनेक्टेड है, और डायमेंशन इतनी बड़ी चीज है कि मैं इसको इस वीडियो में अगर लगाते जाऊंगा तो भाई कल सुबह हो जाएगी, लेकिन ये डायमेंशन वाला खत्म नहीं, ठीक है। अब क्या है कि ये टाइम अब है ना ये पैरेलल यूनिवर्स और डायमेंशन से कनेक्ट। अब जब भी अब है ना एक पैरेलल यूनिवर्स में एक ना एक डायमेंशन होता ही है, अब उसको तोड़ के फोड़ के मरोड़ के स्पेस टाइम फैब्रिक को तोड़ के फोड़ के ट्रेन से धक्का दे के एकदम एरोप्लेन से हाईजैक करके उसको नीचे गिरा के किसी भी तरह से तोड़ो, आप पहुंच जाओगे अगर डायमेंशन में। तो भाई लेकिन भैया ऐसे प्लेन से गिराने वाले मेथड काम नहीं आएगा रे, इसमें मोटा पैसा जाएगा, क्योंकि भैया इसमें हमको चाहिए वॉर्म होल। अब वॉर्म होल भी 99.9% वर्क कर सकता है, वो 0.1% वर्क हो सकता है ना, क्योंकि भैया वो वॉर्म होल को बनाने के लिए एक पाइप चाहिए होगी, एक रूट चाहिए होगा जिससे वो वर्म होल एग्जिट कर सके और वो अलग डायमेंशन में तोड़ मोड़ होके जल्दी से जा सके। लेकिन भैया दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए चाहिए हमको लाइट से बहुत सारी गुना स्पीड, अगर वो कम टाइम में पहुंचना है। लेकिन भैया लाइट अभी ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है जो कि हमको लाइट की स्पीड से ट्रैवल करा सके। मतलब हमको पैरेलल यूनिवर्स में जाना है तो हमको लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा,
अब ये पैरेलल यूनिवर्स में ये एलियन का सोचो सोचो एक सेकंड, पैरेलल यूनिवर्स है ना बहुत सारी चीजों के से कनेक्टेड है। सबसे पहले पैरेलल यूनिवर्स, ठीक है, एलियंस अदर सिविलाइजेशन को भी दर्शाता है, एलियंस लाइफ ऑन अदर यूनिवर्स, लाइफ ऑन अदर यूनिवर्स फिर से ये साइकिल है भाई, मतलब पैरेलल यूनिवर्स को समझो, फिर एलियंस के बारे में समझो, फिर लाइफ ऑन अदर प्लान यूनिवर्स उसमें फैक्ट आएगा, अब फिर वो और फिर वो दोबारा से दर्शाएगा पैरेलल यूनिवर्स को, डक 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 साइकिल चलते जाएगी एकदम भैया, ये हो गया कि इन्फिनिटी टाइम है, ठीक है। देखो भाई इसमें लाई करता है बीच में स्पेस टाइम फैब्रिक, सोचो भैया ब्लैक होल जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट नहीं तोड़ पाए हैं, वर्म होल क्या करेगा, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा होनी चाहिए, उसका मास इतना ज्यादा होना चाहिए, इतना ज्यादा मास होना चाहिए कि वो पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक को तोड़ के दूसरे डायमेंशन में जा सके। मान लो स्पेस टाइम फैब्रिक मैंने एक बार आपको समझाया था हमारे अंदर से जा रहे हैं, अब अगर हमको अगर हम उसको तोड़ देंगे तो हमारे 13 पार्ट बन जाएंगे क्योंकि 13 डायमेंशन पे, ठीक है। अब वो 13 डायमेंशन में क्या होगा, किसी में मान लो मेरा नाम आदित्य है, अब वो डायमेंशन में क्या होगा, पैरेलल यूनिवर्स बन जाएंगे, उसमें क्या होगा अगर मेरा नाम इस यूनिवर्स में आदित्य है तो दूसरे यूनिवर्स में मेरे जैसा ही आदमी उसका नाम राहुल होगा, उस वो दूसरे यूनिवर्स में उसका नाम रोहन होगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर हमने स्पेस टाइम फैब्रिक को है ना एकदम तोड़ दिया, ठीक है, मान लो हमने तोड़ दिया, ठीक है, इम्पॉसिबल है लेकिन तोड़ दिया, अब पैरेलल यूनिवर्स में अगर हम जाएंगे ना तो पैरेलल यूनिवर्स में एक चीज होगी, ठीक है, उस चीज को कहते हैं हम अगर टाइम चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, इधर 1 बजे है तब घर पता नहीं, इधर रात, इधर मान लो ये देखो, ये घड़ी देखो, ये घड़ी देखो, ठीक है, ये घड़ी देखो, ठीक है, अब ये घड़ी में हो रहे हैं 10:30, ठीक है, हो सकता है दूसरे यूनिवर्स में इसके 11 बज जाए, उसके अलग यूनिवर्स में 12, उसके अलग यूनिवर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या हो रहा, 13, 14, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वह टाइम चेंजिंग भाई, क्योंकि हमारे अगर हम देख सकते हैं कि स्पेस टाइम फैब्रिक में जो सबसे ज़्यादा बेंड क्रिएट करता है वो है ब्लैक होल, ठीक है, हमारे यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्स में अलग हो सकता है क्योंकि भाई वहाँ पे अब है ना टाइम स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है वहाँ पे टाइम, क्यों, क्योंकि अर्थ है ना, ये अर्थ इतना बेंड क्रिएट करती है ना, तब टाइम को कम टाइम लगता है इधर से जाने में, ठीक है, टाइम को ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करता, जूम करके जा सकते, लेकिन भैया ये पूरा ब्लैक होल इधर से उसको टक 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 ऐसे पूरा नीचे जाके ऊपर आना पड़ेगा, जिसमें उसको इसमें टाइम को भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तब क्या हो गया, अब है ना इसमें क्या हो गया, अब सोचो इधर इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, तब दूसरे यूनिवर्स में जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका मास शायद से ये ब्लैक होल हो, ये ब्लैक होल है एग्जाम्पल, ब्लैक होल इतना मास करते हैं, हो सकता है
दूसरे दूसरे किसी में एक्स प्लैनेट कोई एक्स ऑब्जेक्ट हो वो इतना बेंड क्रिएट करता हो सकता है वहाँ पे कोई अर्थ हो जो कि इतना बेंड क्रिएट करती है, वहाँ पे इतना टाइम स्लो हो, मतलब एक हमारा एक दिन वहाँ पे 8 साल के बराबर भाई उठना बोल दिया यहाँ का एक दिन मतलब एक दिन अर्थ के 8 साल के बराबर हो सकता है। अब क्या हो गया, पैरेलल यूनिवर्स में जो कॉन्सेप्ट है ना उसको कम से कम 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर में उतारा है। आप कुछ वेबसाइट उसमें जा सकते हो, ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स सर्च करके आप जा सकते हो बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत भर के वेबसाइट्स में, ठीक है, भर के वेबसाइट है, किसी में भी चले जाओ आपको पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पूरा मिल जाएगा। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी वेबसाइट का, लेकिन हाँ वेबसाइट है बहुत सारी, आप खुद जाके देख लेना। ठीक है, अब ना हमने पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, अब भाई आप सोचोगे बाकी ऑब्जेक्ट्स में जैसे जो हमसे भी कम है लाइक मून, ठीक है, मून इतना ही बैंड क्रिएट करता है या अर्थ इतना बैंड क्रिएट करता है। अब आप सोचोगे, अब मैंने आपको समझाया था कि एक छोटा सा एटम भी इतना बैंड क्रिएट करेगा, अब आप एक बार सोचो हो सकता है दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में एटम इतना बैंड क्रिएट करे, क्योंकि भाई ये डेफिनेटली पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि भाई पैरेलल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से एकदम अपोजिट यूनिवर्स है। अब भाई क्यों एटम के अंदर का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो भी होता है उसमें, हाँ, क्यों वो हमारे जैसा इतना छोटा सा बैंड क्रिएट करेगा, क्यों? हो सकता है वो एटम हमारे असली यूनिवर्स के ब्लैक होल से भी ज़्यादा बैंड क्रिएट करें, क्योंकि भाई वो एकदम टोटली अपोजिट है, भाई टाइम डायमेंशन सब कुछ अपोजिट है, तो ये तो हम डेफिनेटली अपोजिट होगा। हो सकता है उधर अर्थ पे लाइफ ना सन पे हो सकता है भाई, क्योंकि भाई पैरेलल यूनिवर्स पैरेलल यूनिवर्स बिल्कुल अपोजिट है। मतलब मान लो मैं आपको ये वीडियो समझा रहा हूँ, तो हो सकता है दूसरे यूनिवर्स में मेरे जैसे ही बंदा सो रहा होगा एकदम, ठीक है, दुबक के एकदम बजाय मेरे अभी कुछ दिनों में मेरे समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, हो सकता है कि उस कि मैं दूसरे यूनिवर्स का भी वेकेशन खत्म ही हुआ हो, कम हो गया होगा, हो सकता है भाई, क्योंकि भाई ये पैरेलल यूनिवर्स है, भटक जाओगे आप लिटरली डायमेंशन मतलब स्पेस टाइम फैब्रिक में, स्पेस पूरा स्पेस में जितने भी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ भी वो स्पेस में ही है, ठीक है। अब वो स्पेस में कितने भी पैरेलल यूनिवर्सेस होंगे, आप सोचो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इससे निकल रहा है, पैरेलल यूनिवर्स से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट निकल रहा है, which is totally stating that there are many universe in one multiverse. So guys, आज के वीडियो के इतने ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं आ रहे भाई मैं फिर से बोलो अब करना प्लीज, अब कर देना है प्लीज, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो के इतने ही, तब तक के लिए बाय बाय।